हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली क्लासेस आपकी होगी अप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर समांतर श्रेणी की, ठीक है। एंड आज से आपके लिए रेगुलर वीडियोज आएंगी सुबह और शाम दोनों टाइम में, ठीक है। कभी मिस हो सकता है लेकिन रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए 10-10 मिनट की वीडियोस बना के हम आप सभी को प्रोवाइड करें ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हमें हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहां पे सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसकी कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं और कितने फॉर्मूला पे बेस आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मूला ये है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर एनवा पद, जिसे Tn से प्रदर्शित करते हैं, Tn equals to a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है। कभी कहेगा आपका कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि Tn equals to a plus n minus 1 into d। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता होगा अगर आप इस समांतर श्रेणी को पहली बार पढ़ते होंगे कि a क्या है, n क्या है और d क्या है। तो a जो है वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी है तो जो पहला पद होगा उसी को हम a से डिनोट करेंगे, जिसे हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहेंगे a को, ठीक है। अब बारी आती है d की, तो d क्या है, तो d है सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। कि मतलब ये होता है कि बहुत सारी अगर समांतर श्रेणी है तो d बराबर हम लिखते हैं t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2। यानी कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी है तो दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाएंगे तो वो बराबर होगा किसके, तीसरे पद में से अगर दूसरे पद को घटाएंगे उसके। यानी कि d इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कब होंगी, जब आप क्वेश्चन आंसर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो शाम तक हम जो है कोशिश करेंगे कि आप सभी को कुछ क्वेश्चन आंसर के एग्जांपल्स हम बताएं इस जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद से बारी आती है n की, कि n क्या है, तो n है पदों की संख्या, ठीक है। कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, उनकी संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अगर आपको कह दिया कि ये दी गई समांतर श्रेणी है इसके पांचवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए या फिर n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn से प्रदर्शित करते हैं और Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है। जहां पे a प्रथम पद है, d सार्वांतर है और n पदों की संख्या है। इसके बराबर में आप ये भी लिख सकते हैं कि n by 2 a plus l, ठीक है। तो ये भी आपका काम चल जाएगा, जहां l जो है वो अंतिम पद है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे दोस्तों तीसरे फॉर्मूला की, जो है आपका समांतर श्रेणी का एनवा पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है Sn माइनस 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, जहाँ पे Sn जो है वो n पदों का योगफल है तथा Sn माइनस 1 जो है वो n माइनस 1 पदों का योगफल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने होंगे। विदाउट ये फार्मूला याद किए आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर दो राशियाँ दी गई हैं, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं, a और b, तो उनका समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के और दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो अगर दो राशियाँ a और b का समांतर माध्य निकाला जाए तो इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b बाई 2,
ठीक है, इससे इस पे बेस्ड सारे फॉर्मूलाज आपको हम जितने फॉर्मूला बता रहे हैं इस पे सब पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर सब कराएंगे। सो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है कि यदि दो राशियाँ ए तथा बी के बीच एन समांतर माध्य ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन हो, तब अगर ए वन आपको निकालना होगा तो ए वन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ए टू निकालना होगा तो ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, बस आपको एक याद करने की जरूरत है। बाकी अगर पहला निकालना होगा तो एक से गुणा होगा, दूसरा निकालना होगा तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन में दो से गुणा होगा, और a3 निकालना होगा तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन में तीन से गुणा होगा, और an निकालना होगा तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन में n से गुणा होगा, और a आपका रहेगा ही। तो an निकालना होगा तो a प्लस एन ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला आपका ये है कि अगर समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पदों को अगर मानना होगा तो हम कुछ इस तरीके से मानेंगे कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इस क्रम में हम लेंगे कि समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पदों को a माइनस डी, a प्लस डी क्रम में लेते हैं। दूसरा है कि समांतर श्रेणी में चार क्रमागत पदों को अगर लेना होगा तो हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि a माइनस थ्री डी, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस थ्री डी, ठीक है। समांतर श्रेणी में पांच क्रमागत पदों को लेना होगा तो a माइनस टू डी, a माइनस डी और a प्लस ए और a प्लस डी और a प्लस टू डी, यानी कि अगर पांच क्रमागत पदों को लेना होगा तो a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी, जहां आप सभी जानते हैं कि a प्रथम पद है और d सार्वांतर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं आप सबसे। तो ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर इसी तरीके की फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे चैनल के साथ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सभी वीडियोज़ आएंगी आप सभी के लिए, चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स की हो, अप्लाइड केमिस्ट्री की हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स की हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग की हो या फिर अदर सब्जेक्ट की, कम्युनिकेशन स्किल की हो, ठीक है। जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि सभी ट्रेड में पढ़ाए जाएंगे, उन सभी चीज़ों का हम अपने चैनल पे तैयारी कराएंगे। सो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।